नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 7 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का हुआ तबादला, अब मेडिकल के स्टूडेंट भी करेंगे कोरोना संक्रमितों का इलाज। रेलवे ने शुरू किया कम्युनिटी किचन, शहाबुद्दीन के गुजर जाने पर बिहार के राजनीतिक दलों ने जताया शोक। SBI खाता धारकों को मिली बड़ी राहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया बड़ा ऐलान। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को संजीवनी माना जाता है। हालांकि इस इंजेक्शन को लेकर लगातार कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत बिहार के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर दवा सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये दवा गंभीर मरीजों को 2 किश्तों में दी जाएगी, यानी गंभीर मरीज को सरकार की तरफ से 3-3 रेमडेसिविर दवा दी जाएगी। इस बाबत राजस्व समिति की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। ज्ञात हो बिहार को 24,500 वायल रेमडेसिविर दवा देना निर्धारित हुआ था। बाद में सरकार की तरफ से डिमांड किए जाने पर 41,000 वायल कोटा निर्धारित किया गया है। मुंगेर के चंडी स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मां चंडी का स्थान का यह स्थान है। यहां माता सती की बाई आंख की पूजा होती है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के 52 टुकड़े किए तो उनका बाया नेत्र यहीं गिरा था। इसके साथ ही द्वापर युग में राजा कर्ण और विक्रमादित्य की कथाओं में भी चंडी स्थान का जिक्र है। यहां आंखों के असाध्य रोग से पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और काजल लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां का काजल नेत्र रोगियों के विकार दूर करता है। सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को DM ने किया बर्खास्त। कोविड-19 के कारण जितनी ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है, ऐसे में कई हॉस्पिटल से अधिकारियों को लेकर शिकायतें भी सामने आ रही है। इसी क्रम में नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीना ने एक बड़ा कदम उठाया है। DM ने सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मैनेजर के पद से उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि संकट के समय में किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके बाद अजय कुमार की जगह पर डॉक्टर SD अय्यर को चार्ज दिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के जवाहर नगर मोहल्ले के एक युवक अस्पताल पहुंचे थे, जिसे ऑक्सीजन की कमी बताकर लौटा दिया गया था। ऐसे मामले को DM यशपाल मीना ने संज्ञान में लिया और DS के ऊपर कार्रवाई कर दी। बिहार के 7 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार के 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के कोरोना संक्रमण से गुजर जाने के बाद सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को नया मुख्य सचिव बनाया है। वहीं संजीव कुमार सिन्हा को राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है, जबकि सुधीर कुमार को मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त वंदना किनी को श्रम संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मिहिर कुमार सिंह को तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया, जबकि प्रेम सिंह मीना को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त बनाया गया है। वहीं तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर मनीष कुमार को दरभंगा प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री केदारनाथ पांडे ने की गर्मी छुट्टी घोषित करने की मांग। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री केदारनाथ पांडे और प्रभारी महासचिव श्री विनय मोहन ने शिक्षा मंत्री से समय से पहले गर्मी की छुट्टी घोषित करने की गुहार लगाई है। श्री केदारनाथ पांडे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि पूरे विश्व में कोविड-19 घातक रूप ले चुका है। बिहार में इसे अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और कई गंभीर मरीज विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार की तरफ से भी सचिवालय से लेकर सभी मुफस्सिल कर्मचारियों के लिए 25% उपस्थिति की अनिवार्यता की गई है। साथ ही 30 मई तक गर्मी की छुट्टी की घोषणा भी विश्वविद्यालयों में कर दी गई है। अब तक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 100 शिक्षकों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के संबंध में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जबकि हाल ही में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी की भी जान चली गई थी। इसलिए श्री केदारनाथ पांडे ने गर्मी की छुट्टी घोषित करने की मांग की है। PGIMER में फील्ड असिस्टेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से फील्ड असिस्टेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती संस्थान के ओरल हेल्थ साइंस सेंटर में होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी 14 मई से पहले एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हाईस्कूल क्लास 10 पास और 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। अब मेडिकल के स्टूडेंट भी करेंगे कोरोना संक्रमितों का इलाज। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब मेडिकल के स्टूडेंट को भी कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगाया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने अपने फैसले में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक और प्रिंसिपल को अवगत करा दिया है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सरकार कई स्तर पर उपाय कर रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना के
प्रसार को रोकने और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के इरादे से एपिडेमिक डिजीज एक्ट प्रदेश में लागू है। शहाबुद्दीन के गुजर जाने पर बिहार के राजनीतिक दलों ने जताया शोक। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने बीते दिन की देर रात आखिरी सांस ली। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर देखने को मिल गई। इसी क्रम में शहाबुद्दीन के गुजर जाने पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेताओं से भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका असमय निधन दुखद है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय गुजर जाना दुखद खबर और पीड़ादायक है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे लंबे समय तक सिवान के विधायक और सांसद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। बिहार के मंत्रियों को मिला जिलों का प्रभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कैबिनेट सचिवालय में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री का लिस्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को गया, श्रवण कुमार को समस्तीपुर, मदन सहनी को खगड़िया, प्रमोद कुमार को कटिहार, संजय कुमार झा को सुपौल और मधेपुरा, लेसी सिंह को मधुबनी, सम्राट चौधरी को दरभंगा, नीरज कुमार सिंह को नवादा, सुभाष सिंह को शिवहर, नितिन नवीन को पश्चिम चंपारण, सुमित कुमार सिंह को सारण, सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण, नारायण प्रसाद को सिवान, जयंत राज को वैशाली, आलोक रंजन को अररिया, मोहम्मद जमाल खान को सीतामढ़ी और जनक राम को औरंगाबाद का प्रभार मंत्री मनोनीत किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को पटना और मुंगेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं रेणु देवी को बेगूसराय और बांका का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी को नालंदा और शेखपुरा, विजेंद्र प्रसाद यादव को पूर्णिया और किशनगंज, अशोक चौधरी को रोहतास और जमुई, शीला कुमारी को लखीसराय, संतोष कुमार सुमन को जहानाबाद, मुकेश सैनी को मुजफ्फरपुर, मंगल पांडे को भोजपुर और बक्सर, अमरेंद्र प्रताप सिंह को गोपालगंज और अरवल, डॉक्टर रामप्रीत पासवान को कैमूर, जीवेश कुमार को सहरसा, राम सूरत कुमार को भागलपुर का प्रभार मंत्री गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कुंवर सिंह की। बिहार में जन्मे कुंवर सिंह जगदीशपुर के उज्जैनी घर से थे, जो 1857 में भारत के प्रथम युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ 80 विद्रोह का था। उन्होंने सक्रिय रूप से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र बल का चयन किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए बिहार सरकार ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और 1992 में भोजपुर जिले के अरहर में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। रेलवे ने शुरू किया कम्युनिटी किचन। कोविड 19 की बढ़ती परिस्थिति को देखते हुए रेलवे ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कोरोना संक्रमित रेल कर्मियों और अकेले रहने वाले रेल कर्मियों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। दानापुर रेल मंडल ने कोरोना से जंग लड़ रहे रेलकर्मी, विशेष रूप से होम आइसोलेशन में रहने वाले रेलकर्मियों के घर पर खाना पहुंचाने की सुविधा की शुरुआत की गई है। ऐसा करने वाला दानापुर रेल मंडल देश का पहला रेल मंडल बन गया है। दानापुर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार होम आइसोलेशन में अकेले रहने वाले कोरोना संक्रमितों की समस्या और परेशानी को देखकर सीनियर डीसीएम आधार राज के आइडिया पर की शुरुआत की गई है। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बेगूसराय में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे। गिरिराज सिंह सदर अस्पताल में चालू किए गए आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस और सिटी स्कैन सुविधा का निरीक्षण करने पहुंचे थे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बेगूसराय में साल भर से वेंटिलेटर और आईसीयू रखा हुआ था, जिसकी शुरुआत नहीं की गई थी। अब सदर अस्पताल में आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ साथ सिटी स्कैन और डायलिसिस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। SBI खाता धारकों को मिली बड़ी राहत। SBI खाता धारकों के लिए अहम सूचना। कोविड 19 के इस माहौल में SBI ने सभी खाता धारकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब SBI उन ग्राहकों का खाता बंद नहीं करेगा जिनका KYC अपडेट नहीं हुआ है। आपको बता दें कोरोना के चलते बैंक ने यह सुविधा 31 मई तक बढ़ा दी है, यानी कि अब जिन खाताधारकों का KYC 31 मई तक अपडेटेड नहीं होगा उनके खाते फ्रीज नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही बैंक के अपने सभी ग्राहकों को इस मुसीबत की घड़ी में एक टोल फ्री नंबर ट्वीट किया है, जिससे कि आपके अधिकतर काम इस टोल फ्री नंबर से ही हो जाएंगे, जिसके बाद अब आप 1800-112-211 और 1800-425-3800 पर कॉल करके बैंक से कोई भी मदद ले सकते हैं। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच रूस से आया वैक्सीन। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत रूस से स्पुतनिक वी के पहली खेप को भारत पहुंचा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रूस से एक विमान स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप लेकर हैदराबाद में लैंड कर चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहली खेप में 1.5 लाख खुराक भारत पहुंची है। वहीं इसके बाद मध्य मई या फिर महीने के अंत तक 30 लाख खुराक आ जाएंगी। जून में 50 लाख खुराक और आएंगी। एक समाचार एजेंसी ने रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के अधिकारी के हवाले से पहले ही बताया था कि भारत को 1 मई को रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले खेप मिल जाएगी। इसके बाद बीते दिन पहले खेप भारत पहुंचा दी गई है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1926 में आज ही के दिन हिंदू महिलाओं को निर्वाचित कार्यालय लेने का अधिकार मिला था। महात्मा गांधी की जान लेने के मामले में सुनवाई 1949 में आज ही के दिन से शुरू हुई थी। लोकसभा ने सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक 1968 में आज ही के दिन पारित किया था। अनिल अंबानी ग्रुप की फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में 3 कोयला खदानों का अधिग्रहण आज ही के दिन किया। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता निर्देशक और लेखक सत्यजीत राय का जन्म 1921 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू ने आज ही के दिन 1975 में दुनिया को अलविदा कहा था। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची की गई जारी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची बीते दिन जारी कर दी गई है, जिसके तहत नई कमेटी में 7 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई कमेटी में बिहार के 2 नेताओं को जगह मिली है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से जारी की गई सूची में 7 उपाध्यक्ष के अलावा 3 राष्ट्रीय महामंत्री, 7 राष्ट्रीय मंत्री के अलावा 1 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय प्रभारी, 1 सोशल मीडिया प्रभारी और 1 मीडिया प्रभारी बनाया गया है। बिहार में इस कमेटी में 2 नेताओं को जगह दी गई है। जगन्नाथ ठाकुर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डॉक्टर शंभु कुमार को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। दूरदर्शन की जानी मानी एंकर कनुप्रिया की गई कोविड-19 से जान। रोहित सरदाना समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों की जान गंवाने के बाद बीते दिन मीडिया जगत को एक और बड़ा झटका लगा, जब दूरदर्शन की जानी मानी एंकर कनुप्रिया ने कोविड-19 के कारण जान गंवा दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कनुप्रिया एंकर के साथ साथ एक खूबसूरत एक्टर भी थी। उनकी करीबी नोना वालिया ने सोशल मीडिया पर यह दुखद खबर साझा की है। कनुप्रिया ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा था कि अस्पताल में भर्ती है तथा उन्हें सभी की दुआओं की जरूरत है। बताया जा रहा है कि कनुप्रिया का ऑक्सीजन लेवल कम होने और बुखार बढ़ने के चलते उनकी जान चली गई थी। बिहार में मिले कोविड-19 के 13,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 13,789 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,08,202 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 236, अरवल में 113, औरंगाबाद में 508, बांका में 194, बेगूसराय में 611, भागलपुर में 330, भोजपुर में 98, बक्सर में 103, दरभंगा में 227, ईस्ट चंपारण में 203, गया में 969, गोपालगंज में 261, जमुई में 311, जहानाबाद में 131, कैमूर में 24, कटिहार में 275, खगड़िया में 339, किशनगंज में 187, लखीसराय में 89, मधेपुरा में 210, मधुबनी में 324, मुंगेर में 167, मुजफ्फरपुर में 534, नालंदा में 637, नवादा में 292, पटना में 3024, पूर्णिया में 424, रोहतास में 256, सहरसा में 337, समस्तीपुर में 237, सारण में 412, शेखपुरा में 84, शिवहर में 106, सीतामढ़ी में 108, सिवान में 286, सुपौल में 400, वैशाली में 150, वेस्ट चंपारण में 537 मामले सामने आए। इसके साथ ही 55 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 10,905 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,73,261 पर पहुंच गई है। 1,000 डॉक्टरों की बहाली के लिए इस दिन होगा वॉक इन इंटरव्यू। बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है, ऐसे में डॉक्टरों की बहाली पर सरकार का ध्यान जा रहा है। इसी क्रम में अब डॉक्टरों की बहाली को लेकर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन करवाया जाना है। खबरों की माने तो इस इंटरव्यू का आयोजन 10 मई को होगा। इसके अतिरिक्त 6,338 डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। बताया गया है कि सभी मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट के कार्यकाल को 3 महीने का अवधि विस्तार दिया गया है। साथ ही सभी सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को आवश्यकता अनुसार 3 महीने के लिए मानव संसाधन बहाल करने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार में डीजीपी और सचिव उतरे सड़कों पर। बिहार में डीजीपी और सचिव ने व्यक्तिगत तौर पर सड़क पर उतरकर नाइट कर्फ्यू का जायजा लेना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए खुद बिहार के गृह सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल अब सड़क पर उतर रहे हैं। सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोनों अधिकारियों ने पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के साथ पटना सिटी के सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजेकला चौक थाना अंतर्गत विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर हर जगह का जायजा लिया। वैक्सीन को लेकर हो रही देरी पर मंगल पांडे ने दिया बयान। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो जानी थी, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के कारण इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद सामने आकर के इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार को मई में लगभग 16 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक मिलेगी। इसमें से कोविशील्ड की 11.89 लाख खुराक और कोवैक्सीन की 4.14 लाख खुराक होंगी। जैसे ही हमें वैक्सीन मिल जाएंगी वैसे
ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड 19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के टीकाकरण का आदेश जारी किया था। हालांकि बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की कमी होने के कारण इस मुहिम की शुरुआत नहीं हो पाई है। कोविड 19 से जान गंवाने वालों की अंत्येष्टि अब होगी नगर निगम की जिम्मेदारी। कोविड 19 के बढ़ते प्रसार के बीच जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पटना नगर निगम ने कोविड 19 के कारण जान गंवाने वालों की अंत्येष्टि का जिम्मा उठाया है। कोरोना के दौरान घाटों की व्यवस्था सुदृढ़ करने और कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को राहत में निगम निःशुल्क अंत्येष्टि करवाएगा। इन घाटों की व्यवस्था एवं अवैध कार्यों की शिकायत पर निगाहबानी के लिए अपर नगर आयुक्त देवेंद्र प्रसाद तिवारी एवं अपर नगर आयुक्त सफाई शीला ईरानी को जिम्मेवारी दी गई है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों, नगर प्रबंधक एवं कर्मियों को घाटों पर व्यवस्था बनाए जाने पर कई निर्देश। सनराइजर हैदराबाद ने केन विलियमसन को चुना अपना नया कप्तान। इन दिनों आईपीएल के मैचेस खेले जा रहे हैं, इन सभी के बीच सनराइजर हैदराबाद ने केन विलियमसन को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। इसको लेकर फ्रेंचाइजीज ने भी अपना ऐलान कर दिया है। सनराइजर हैदराबाद फ्रेंचाइजीज ने बयान जारी करते हुए ऐलान किया है कि आगामी मैचों में डेविड वार्नर की जगह न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टीम की कमान संभालेंगे। आपको बता दें, शुरुआती कुछ मैचों में केन चोट की वजह से खेल नहीं सके थे। वहीं आज सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच का आयोजन होने वाला है। यहां देखना दिलचस्प होगा कि केन विलियमसन की कप्तानी सनराइजर हैदराबाद किस तरीके का प्रदर्शन कर पाती है। WhatsApp पर अब फोटोज और वीडियोस को देख सकेंगे बड़े साइज में। WhatsApp समय समय पर अपने यूजर के लिए नए नए फीचर्स को रोल करता रहता है। इसी क्रम में WhatsApp ने अब एक और नए फीचर को रोल किया है। यह एक नया अपडेट है जो चैट में फोटो और वीडियो का साइज बड़ा दिखाता है। इस फीचर की मदद से WhatsApp यूजर आराम से बड़े प्रारूप में फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात की जानकारी WhatsApp ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी है और बताया है कि यह नया फीचर कैसे काम करता है। WhatsApp ने बताया कि पहले यूजर को भेजी गई तस्वीर क्रॉप साइज में दिखाई देती है और पूरी इमेज देखने के लिए इसे डाउनलोड करके खोलना पड़ता था, लेकिन अब इस नए फीचर की मदद से आप एक अपडेट के साथ चैट पर भेजी गई इमेज और वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,170 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,170 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 67,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राजू, अजय कुमार, बक्सर आलम, रविता कुमारी, ओमकार सिंह, पंकज कुमार, अनिल अमन, मनीष मोहरा, राजीव रंजन, रवि कुमार, तरुण राजवंशी, हर्ष बाबू कुमार, कमला अग्रवाल, पंकज राजा, धर्मेंद्र कुमार, सिट्टू कुमार, रोहित भारद्वाज, सनी, अमित कुमार, श्याम रंजन, कवि कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार की तरफ से जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का फैसला कोविड 19 के रोकथाम में सहायक होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।